हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज सबसे पहले मैं दिन, तारीख, टाइम सब बता देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 12:43 और तारीख है 20 मई और दिन है वीरवार। सब कुछ बता दिया है और हमारा तन्मय आ चुका है और अभी तन्मय बहुत ठीक है। और आज ये कुछ ज़्यादा खुश इसलिए है आजकल क्योंकि जो इसके टेस्ट चल रहे थे वो अब ओरल में शुरू हो गए हैं। ओरल में करता हुआ बच्चा बहुत खुश होता है तो ये इसलिए खुश है। और बारिश रुक गई है जो कि कंटिन्यू पड़ रही थी, अभी रुकी हुई है। फिलहाल मौसम ऐसा ही है, धूप नहीं निकली है लेकिन बारिश रुक गई है। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, रश्मि तुम्हारे बच्चों की ऑनलाइन जो टेस्ट हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं वो रुकी नहीं? नहीं, अभी नहीं रुकी हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, अभी कंटिन्यू चालू है। मॉर्निंग में इनकी क्लासेस लगती हैं दोनों की, अभी इसकी चल रही है लेकिन ओरल टेस्ट है तो वही होना है तो वो इसने कर दिया है। फिलहाल जो टेस्ट है अभी रिवीजन हुआ है, जूम पर होगा, वो 2 बजे होगा, वो ऑनलाइन में ही होगा, जूम पे 2 बजे या 2:15 बजे के करीब। तो फिलहाल ये फ्री हो गया है, मैं भी फ्री हो गई हूँ। और इसकी क्लास कराते कराते ना मैं बीच में देखती रहती हूँ क्या बनेगा, क्या करना है। तो दोपहर के खाने की तैयारी है, मैं अभी दाल चावल बनाकर आई हूँ। आज हमने बनाई है चने उड़द की दाल और चावल। पहले मैं एक सब्जी भी बना रही थी लेकिन टाइम ही नहीं लगा। मैंने मॉर्निंग में सोचा था कि दोपहर में मैं खाने में सब्जी, दाल, चावल, रोटी बनाऊंगी लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जैसे तैसे दाल चावल बन गए, बस सलाद का आटा है। चने उड़द की दाल बनाई है जो कि मुझे बहुत पसंद है। दालें मुझे सारी अच्छी लगती है, मोटी दालें नहीं अच्छी लगती। राजमा, चने, छोले ये मैं खा लेती हूँ लेकिन अच्छी नहीं लगती, लेकिन चने उड़द की जो दाल है ना वो मुझे अच्छी लगती है। और अब देखते हैं इनको कैसी लगेगी, अभी तो इन्हें भूख लग रही है। टेस्ट कर दोबारा लेंगे तो अच्छी लगेगी और जो पहली बार में लिया खत्म कर लेंगे तो मतलब है कि पेट भरने को, पेट भरने वाली बात। जल्दी से दे दो हमें खाना, भूखी लगी है। भूखी लगी है, इन्हें 12:30 बजे से होना शुरू हो जाता है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो। ये अपने उस रूम में है, इन्होंने अपना काम शुरू कर लिया है। गुड्डू अंदर वाले रूम में है, वो अपना काम कर रही है। बस ये और मैं फ्री हुए हैं। ये जल्दी फ्री हो गया तो मैं भी जल्दी फ्री हो गई क्योंकि आज इसको कॉपी पे लिख के कुछ नहीं देना। इंग्लिश, हिंदी कुछ आया तो नहीं? दीदी से पूछा गुड्डू इसका कुछ काम तो नहीं आया रिटर्न में? नहीं, बड़े मजे की बात है। तो अभी इसका कल का और बचा है। मुझे और पीटती पीटती जब पीटी, अभी तो पिटाई हुई नहीं ना है, अभी हुई नहीं ना, हुई सुबह से पिटाई, पर मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, जल्दी गुड़गुड़ कर रहा है। तो अभी जो है देखते हैं। और हाँ, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि आप ना सूट्स का काम बंद कर दिया है क्या, सूट का कुछ वो नहीं दे रहे हो? तो मैंने लाइव गई थी, मैंने बताया था कि थोड़ी सी कोरियर, कुछ जगहों पर रेड जोन है जहाँ पर कोरियर सर्विस बिल्कुल बंद है तो वहाँ पे कोरियर नहीं जा पा रहा है। 1-2 दिन में देखती हूँ सूट का वीडियो जाएगा तो। यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से ही लगभग 99% लोग हैं उस चैनल पे, तो उन लोगों को पता चल जाएगा। आप उस चैनल पे अलग से वीडियो बनाओगे तो आप समझ सकते हो ना, तो मैंने कहा इसी पे मैं बता देती हूँ। कल भी सोचा था, दिमाग से निकल गया तो बहुत सारी बातचीत कर ली है क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं वीडियो कढ़ाई कुकर वॉइस ओवर से शुरू नहीं करूंगी, आज मैं फेस टू फेस करूंगी आप लोगों से, आंखों में आंखें डाल के, आई कांटेक्ट। तो चलिए अभी खाना सब करेंगे, कुकर में सीटी है। हाँ, मजे से खाएंगे, आपको भी खिला देंगे। 1 बाइट ना, 2 बाइट या 3 बाइट ना, 4 बाइट। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब धूप है लेकिन पता क्या, वो होते नहीं है नीला नीला बादल और सफेद सफेद उस पे छोटे छोटे बादल, मतलब नीला हुआ पड़ा है उस पे,
छोटे 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 सफेद सफेद से बादल हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं ना, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। ये देखो मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर छत से तो नहीं दिखाऊंगी, यहीं से दिखाऊंगी। ये देखो थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ये देखो दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो ये बादल है वाइट वाइट और नीला हुआ पड़ा है पूरा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। शाम का टाइम है, शाम क्या थोड़ी देर में रात हो जाएगी क्योंकि 7:30 बजने वाले हैं। गुड्डू तूने सच में बना दिया था वीडियो सोती हुई का। गुड्डू कह रही थी मम्मी आप सोते हुए क्यूट लगते हो, मैंने कहा अच्छा मेरे को क्या पता, कह रही मैं वीडियो बनाऊंगी आप देखना, तो इसने तो सच में बना दिया था वीडियो। ये बाहर बैठे हुए क्या ही दिनों में, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं क्या ही दिनों में सोई, कपड़े धोए हाथ से, कल देखेंगे मशीन लगाई तो मौसम अच्छा हो रहा है। जोत लगा दो यार, जोत लगा दो। आज हमारे घर में बनेगा टिंडा। क्यों हंसे टिंडा सुन के? टिंडा बनेगा, टिंडा टिंडे की सब्जी एकदम लजीज। कौन है, हैं क्या लग रही सोचो, मैंने तो काटी है। तो मैं वो बना रही हूँ टिंडे। टिंडे तो मैंने दोपहर में ही काट के रख दिए थे, दाल चावल बनाते बनाते मैंने छील के काट के रख दिए थे फ्रिज में। अभी उनको अच्छे से वॉश करके वहां रख दिया, लंबे लंबे साइज में कट किए हैं मैंने, ये रे टिंडे। और इधर दूध आ गया है शाम का, वो बॉयल होने रख दिया है। इधर आटा रख लिया है पराठे में, क्योंकि मैं साथ के साथ चीजें करती भी चलती रहती हूँ किचन में, जैसे जैसे जो जो काम लगता रहता है वो। फिलहाल टिंडे छूकेंगे, और इस तरीके से अगर आप टिंडे बनाते हैं तो आपको इनके स्वाद का पता होगा। अगर नहीं बनाते हैं और टिंडे पसंद नहीं हैं तो जाकर मेरे कहने से एक पाव खरीद कर बनाकर देख लेना। अगर आप टिंडों के फैन ना हो जाओ तो आप मुझे बोलना, ठीक है? जैसे भी बने मुझे बताना, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, मैं खुद टिंडे नहीं खाती थी, विपिन नहीं खाते थे, और मैंने इस तरीके से बनाए, बहुत स्वाद बने, बहुत ज़्यादा। मैं और ये खुद बहुत पसंद करते हैं, और ये मम्मी की स्टाइल में है, ठीक है? तेल तो हो गया, तो यहाँ पे तेल मैंने गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। और हमने ली है टिंडे को तड़का लगाने के लिए सौंफ। टिंडे को सौंफ से तड़का लगाते हैं, जीरे से, अजवाइन से, धनिया से नहीं। तो सौंफ ली है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेन जो इसका स्वाद है ना, वो सौंफ ही बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, इसी से आपको टेस्ट आएगा। गरम हो चुका है, सौंफ डाल दिया मैंने, और ये हींग, और उसके बाद ये लंबा लंबा काट के रखा हुआ है प्याज। प्याज हो चुके हैं, और इसमें मैं मसाले डालूंगी, जैसे कि हल्दी और लाल मिर्च, नमक, और धनिया पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे ये सौंफ को दरदरा किया है, इसको भी डालूंगी। तो बस इस मसाले को थोड़ा सा प्याज के साथ तेल में थोड़ा सा भून लूंगी। मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, और टमाटर को भी गलने देंगे, तब तक पका लेंगे।
तो यहाँ पर सारे मसाले जो है हो चुके हैं, टमाटर वगैरह हो चुका है। तो अब जो मैंने टिंडे काट के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं। टिंडों को आप किसी भी शेप में डाल करके काट के डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से काट के ना अच्छे भी लगते हैं, और यही तरीका होता है शायद टिंडों को काटने का। शायद इसमें से दो पीस कर लें, बाकी मैंने इस तरीके से काटे हैं। और अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी प्याज टमाटर मसालों के साथ अच्छे से, और इसको मैं ढक दूँगी प्लेट से। बीच में जब इसको 3-4 मिनट हो जाएगा रखे हुए, फिर मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट ढक दी है, और बीच बीच में मैं चेक कर लूँगी। करीबन 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे, जल्दी गल जाते हैं लेकिन बीच में चेक करना ज़रूरी है। तो देखिए जैसे कि एक बार तो अभी मैं चेक कर रही हूँ इसको, जब से रखे हैं तब से अभी चेक किए हैं मैंने, करीबन 3 से 4 मिनट बाद। अब फिर से चलाऊंगी और फिर से ढक दूंगी और फिर से 3-4 मिनट बाद चेक करूंगी, और जहां तक है ये जब तक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फिर से ढक दिए हैं, छोड़ देती हूँ ढककर। मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मेरे को वो हो रहा था, वो जो सूट मैंने पहना हुआ था ना वो टाइट नहीं है, वो फुल है नीचे तक, वो फर्श पे ऐसे ऐसे टकरा रहा था, मतलब हो रहा होगा टच, मैंने देखा भी। तो फिर मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ अभी। फिर हम दोनों बैठे हुए थे, अभी सब्जी तो बन चुकी है एकदम बढ़िया मज़ेदार। अब ये टेस्ट ये बताएंगे, टेस्ट तो आप बताओगे ना, देखने में बताया मैंने तो। इंसान पहले नज़रों से चखता है फिर ज़ुबान से टेस्ट करता है, अजान हो रही है। मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर सब्जी वैसे ठंडी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी देर हो गए हैं बने हुए। तो अभी जो है मुझे इसको दूसरे गैस पे रखना है, और इस गैस पे रखना है तवा, क्योंकि मेरा इसी गैस पर हाथ चलता है। तो इसी पे मैं सब्जी छोंकती हूँ, इसी पे मैं रोटी बनाती हूँ। तो बस मैं क्या करती रहती हूँ, जगह बदल देती हूँ। जब यहाँ पे कुछ बनाना होता है तो यहाँ पे बनाकर इसको दूसरे गैस पे रख देती हूँ। तो फिलहाल तो देखिए टिंडे की सब्जी आप देख ही रहे हैं कितनी टेस्टी लग रही है ना, और ये वाकई में टेस्टी बनी भी थी। आप खुद ट्राई करेंगे तो मुझे खुद कमेंट बॉक्स में आकर बोलेंगे कि हाँ रश्मि हमने ट्राई की, अच्छी बनी, और सच्ची सच्ची बताइएगा। वैसे ये पसंद ही आएगी, जितने लोगों को खिलाई भी है उनको पसंद भी आती है। तो चलिए मैं आपको ना कैमरे में से ही टेस्ट करा देती हूँ, जब आप बनाओगे जब का जब देखा जाएगा। फिलहाल आप बस मेरे हाथों वाली टेस्ट कर लीजिए। मुझे पता है इस तरीके से आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन देखिए देख कर तो आप भी बता सकते हो ना, शक्ल से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग जाता है। तो चलिए आ कीजिए और खा लीजिए। तो आप सबके बदले का मैंने खा लिया है, सबको खिला चुकी हूँ। 2 रोटी ली है, सब्जी ली है टिंडे की, और ग्लास में लिया है बूंदी का रायता। तो मैं खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए और खा पी कर फिर मिलूँगी। तो मैंने बोला था मैं खा पी कर मिलूँगी, लेकिन मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई थी। अगले दिन मिल रही हूँ, मतलब मॉर्निंग में मैंने वीडियो स्टार्ट करा है। सुबह की जो चाय होती है वो बन रही है यहाँ पे, चाय बनी चुकी है। अब जो है इसको खदकना है, उबाल आ गया है। अब मैं इसको सिम पर कर छोड़ दूंगी, ये थोड़ी देर पकेगी, उसके बाद मैं और विपिन बैठ के चाय पियेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे। वैसे दिन की शुरुआत पानी से करते हैं। तो यहाँ पर जो है खीरा काट रही हूँ मैं, और अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। इस बीच बच्चों के क्लास वगैरह होनी शुरू हो जाती है, घर के काम होते हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब जब टाइम मिलता है तब तब मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, तो आप सब समझ सकते हैं। तो दोपहर का टाइम है, मैं यहाँ पे खीरा टमाटर प्याज लिया है, जिनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ रायता, ये खीरा प्याज टमाटर वाला रायता, जिसको वेजिटेबल रायता या कुछ भी सलाद भी बोल सकते हो, दही का आप कुछ भी बोल दीजिए जो आप इसको बोलते हो, लगता बहुत गजब है। आप इसको चाहे सब्जी रोटी के साथ खाएं, चाहे आप इसको नमकीन चावल बनाते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे घर में ये तभी बनता है जब नमकीन चावल बनते हैं। तो सारी चीज़ों को, खीरे को, प्याज को, टमाटर को मैं बारीक बारीक काट लूँगी, और ऐसे ही जैसे आपने नमकीन चावल बनाए हैं उसके साथ अगर आप खीरे का भी रायता बनाते हैं कद्दूकस करके, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। नमकीन चावल अच्छे लगते हैं और भी ज़्यादा। तो सारी चीज़ें लगभग लंबी लंबी बारीक बारीक मैंने काट ली है। अगर इसमें हरी मिर्च और होती बारीक बारीक तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता, लेकिन हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी आज, तो इसीलिए मैंने डाली भी नहीं, ना ही मेरे पास हरा धनिया था। तो अभी मैं इसमें मसाले डाल लूँगी, काला नमक डालूँगी और चाट मसाला डालूँगी और लाल मिर्च डालूँगी, और बस और कुछ नहीं डालूँगी, यही सब डालूँगी। आप इसमें अगर काली मिर्च डालना चाहते हैं तो काली मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने लाल मिर्च डाली है। हालांकि रायते में मैं अधिकतर मैं काली मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस वाले में पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, तो मैंने लाल डाली है। तो यहाँ पर देखिए नमकीन चावल भी तैयार है, आलू मटर वाले,
और खीरा भी काट लिया है क्योंकि खीरा बहुत बड़ा था, तो फिर बहुत सारा रायता तो हमें बनाना नहीं था, तो इसलिए जो बचा था उसको कट कर लिया, और बाकी का रायते में है। और यहाँ पे है ये नमकीन चावल, आप लोग भी खा लीजिए और खाकर बताइए कैसे बने हैं। और सच में बहुत टेस्टी बने थे, और रायते के साथ तो इनका स्वाद और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर का 1:30 बज रहा है और बहुत देर से मेरे घर में हाहाकार मचा हुआ है। दोनों बच्चों में युद्ध, लड़ाई, युद्ध होते हैं युद्ध, कभी कभी तो युद्ध जैसी हालत होती है, बहुत खतरनाक वाली। तो मैं विपिन को बोल रही थी, अभी आप घर पे रहते हो, देख लो देख लो। मैंने कहा मैं कैसे रहती हूँ, फिर तुम बोलते हो कि कहाँ परेशान करते हैं। तो अभी जब देखते हैं तो वो भी बोलते हैं हाँ अभी अंदर गए हैं वही। मैं तो डांट के आ गई हूँ, डांट कर आकर बैठती हूँ, फिर 2 मिनट बाद आवाज़ें शुरू हैं ऐसा। हालांकि सभी लोग बच्चे करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन अपने बच्चों से तो हम यही एक्सेप्ट करते हैं ना कि वो ना करें। तो अभी तो जो है मैंने सर धोया है थोड़ी देर पहले, अब तो काफ़ी सूख गया है, थोड़ी देर नहीं हो गया होगा, काफ़ी टाइम बांध लो तो सूखते नहीं है बाल। और मैं सच बताऊँ मुझे अपने ये बाल अच्छे लगते हैं, ये जो रफ से हैं, थोड़े शाइनी सिल्की से जो थे वो नहीं है, क्योंकि वो नकली थे यार, वो मेरे रियल बाल नहीं थे। ये हैं मेरे रियल, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो भारी लगते हैं। वो बहुत ही छोटे से पतले से लगते थे, वो भी अच्छे लगते थे जब थे, क्योंकि वो कराए थे। ये नेचुरली हैं, और कलर मैं भूल चुकी हूँ ये कौन सा था। उस टाइम मैंने भैया से पूछकर आपको किसी वीडियो में बताया था, कमेंट्स में भी बताया था उस टाइम, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। तो मैंने ना आज जो आपको दिखाया वो खाया है, क्या बनाया था, नमकीन चावल आलू मटर वाले, और साथ में रायता, क्योंकि हमारे घर में आज सब्जी ख़त्म हो चुकी है, कोई सब्जी नहीं है हमारे घर में। अभी शाम की बहुत बड़ी समस्या है कि शाम को क्या बनेगा, क्योंकि शाम के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है सिवाय आलू के या फिर दाल के। दाल बनानी नहीं है, और आलू टमाटर बन सकते हैं, या क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फास्ट फूड वगैरह की तरफ हमें जाना नहीं है, तो देखेंगे वो तो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, वो तो शाम तक देखा जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है शाम में, वो अपना काम कर रहे हैं उस रूम में और मैं इधर आ गई हूँ। और अब जैसे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने जो फोटोज़ दिखाए थे जिस वीडियो में, उस वीडियो पे ना कुछ कमेंट्स, 4-5 कमेंट्स ये हैं कि आपने कभी अपने भतीजे को नहीं दिखाया, आपने कभी भूमि के भाई को नहीं दिखाया, आपने अपने बड़े भाई के बेटे को नहीं दिखाया, कहाँ है वो अब तक, आपने कभी दिखाया नहीं, कभी जिक्र नहीं किया, तो आपका भतीजा कहाँ है जो फोटो में मेरे भाई की गोदी में था, मेरी गोदी में था। तो वो जो है मेरे भाई का बेटा नहीं है, वो मेरी मामी का बेटा है, और वो मेरे भाई की गोदी में था। उसकी जैसे शादी की पिक्चर्स लेते हैं ना, जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ले लेते हैं, क्योंकि मैंने फोटो में दिखाते वक्त बोला है कि ये भाई की शादी का है, तो भाई की शादी में बच्चा कहाँ से आ गया। तो फिर वो जो है मेरे भाई की गोदी में, मेरे जो मामा का बेटा है वो है गोदी में, वंश, मैंने नाम भी बताया था वंश। तो मेरे भाई का कोई बेटा है ही नहीं, मेरे भाई की बेटी है भूमि, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। बस अगर भूमि की बात आई है तो बस मैं यही सोचती हूँ कि भूमि को, मतलब जो आगे की लाइफ है उसकी, जो कमी उसने अपनी लाइफ में देखी है, जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता है, कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, भगवान उसको आगे अपनी लाइफ में इतनी खुशी मिले कि उसको जो वो मिली, जो उसको चीज़ नहीं मिली वो उसकी भरपाई भी हो जाए। हालांकि उसकी कोई भरपाई नहीं होगी, लेकिन आगे उसको जो उसकी किस्मत है, उसका नसीब है, भगवान वो आगे अच्छा करे, और भगवान किसी बच्चे की ज़िंदगी में ये कमी ना रखे। एक रोटी कम मिले या कुछ कम चीज़ें मिले तो चलता है, लेकिन ये कमी होती है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो ये देखो ये आ गए हैं, इनको आवाज़ चली गई होगी। क्यों लड़ रहे थे आप? दीदी ने मेरा खिलौना फेंका। और दीदी बोलते हैं, मैं इसको सिखाती हूँ, दीदी बोला करो, दीदी बोला करो, बट ये कई बार भूल जाता है और फिर ये गुड्डू बोल देता है, भूमि को भूमि बोल देता है। मैं इसको बोलती हूँ, मतलब गुड्डू और भूमि के लिए नहीं, मैं लक्की कार्तिक के लिए बोलती हूँ, बाहर जैसे कोई भी है मयूर वगैरह है, मैंने कहा भैया बोला करो, ठीक है, ओके। और अब तो तन्मय ठीक है, अब तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ इसके वो हो गया था, खून जम गया था, क्या हो गया था, ये इसकी चोट भी ठीक है अब।
जो नाक पे लगी थी, दिखाओ इधर मुझे, दिखाओ मुझे। हाँ अब तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो है तन्मय का टेस्ट शुरू होगा, कितने बजे होगा? अभी तो है आधा पौन घंटा। मैं खाली कर रही हूँ कुकर, आप लोगे क्या? और क्या खिचड़ी थोड़ी बहुत फिर फ्रिज में रख दूंगी तो ठंडी हो जाएगी बहुत। दूध डाल के दूं है? दूध डाल के या बिना दूध डाले? ठंडा दूध गरम? ठंडा दूध। तो मैं बर्तन करूंगी, बर्तन हो रहे हैं, दोपहर के ही है, उस टाइम नहीं किए थे मैंने। मैंने कहा जब कुकर खाली करूंगी तभी कर लूंगी, मूड होता है ना कभी कभी, और आजकल थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेटी लेटी सी रहती हूँ। दूध डाल के अच्छी लगती है आपको? मेरे को तो दूध ही नहीं अच्छा लगता। इनकी मेरी ना हफ्ते में 4 दिन दूध के लिए बहस होती है, जब इन लोगों को देती हूँ तो ये बोलते हैं कि तुम भी लो तुम भी लो, वरना मैं भी नहीं पी रहा बहुत ज्यादा। कभी कभी तो कलेश हो जाता है दूध पीने के ऊपर, इनको बहुत फिक्र होती है मेरी, बट मुझे दूध नहीं पसंद। तो बर्तन कर लूंगी आप शाम के लिए, बस शाम की चाय की होंगी, और फिर मुझे लगता है कि ना हो जाएगा शाम का पूरा, क्योंकि थोड़ी सब्जी भी रखी है, थोड़ी खिचड़ी है, आटा है, तो हो ही जाएगा शाम का ना, बनाना नहीं पड़ेगा कुछ। तन्मय तो कढ़ी चावल बोल रहा है बट नहीं है, क्योंकि चावल हो चुके हैं दोपहर में, शाम को तो नहीं बनेगा चावल। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।